ये हमारे पास 8.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या पूछता है हमारे से। इन द गिवन फिगर फाइंड टेन पी माइनस कोट आर। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है उसने, पी क्यू आर, जहाँ पे पी क्यू है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर नहीं दे रखी। तो हम पहले क्या काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्यू आर निकाल लेते हैं। क्यू आर अपने पास क्या बनती है, हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर। अब इस फिगर में हमारे पास कोई भी थीटा नहीं है, तो हम किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस ले लेते हैं अपनी मर्जी से। तो हमने क्या लिया, क्यू आर स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। तो पी आर हमारे को 13 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यू आर हमें निकालनी है, और पी आर दे रख पी क्यू दे रखी है, सॉरी, हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वेयर करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 69, और क्यू आर आ जाएगा ये एज इट इज, इसका स्क्वेयर आएगा 144। इसको हम माइनस करके यहाँ से हम क्यू आर निकाल लेते हैं, यह आएगा 25 स्क्वेयर और क्यू आर स्क्वेयर। तो हमारे पास यहाँ से क्यू आर कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे क्यू आर डाल देते हैं। अब वो पूछता है हमारे को कि 10 P माइनस कोट R फाइंड आउट करो। अब 10 P हमारे को पता है, 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग बनेगा, जो अपने पास ये थीटा है, थीटा कौन है, पी, तो ये थीटा है हमारे पास पी। अब थीटा के सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, क्यू आर, और हमारे पास बेस कौन बन जाएगा, जो ये हमारे पास पी क्यू बच गया है। इसी तरह से कोट आर पूछता है, कोट आर अपने पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसमें बेस हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, जो हमारे पास एंगल दे रखा है, एंगल कौन है हमारे पास, आर, तो ये है। तो इसके सामने वाली साइड हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली साइड क्या होती है, बेस। तो अब की बार हमारे पास बेस कौन बन जाएगा यहाँ पे, क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, इस आर के सामने वाली साइड, मतलब पी क्यू। तो ये आ जाएगा क्यू आर, हमने निकाल रखा है फिगर में, हमें क्या है हमारे पास, वो 5 है, और पी क्यू कितना है हमारे पास, 12। तो यहाँ भी हमारे पास यही है। तो जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कैंसिल आउट करके क्या आ जाएगा, ये 0। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था।